सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कोई आपको प्रेम करता है तो ये आपका भाग्य है, और कोई आपको समझ सकता है तो ये आपका सौभाग्य है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पे नहीं मिलते। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। आज का पंचांग 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, सुबह 3:50 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र शाम 6:44 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:40 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:41 से 12:29 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर सुबह 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। सिहरा से 31 मार्च 2020 दिन मंगलवार, आज के दिन आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन होने की थोड़ी संभावना है, लेकिन इन सबके लालच में अपने परिवार की उपेक्षा ना करें। दरअसल आज आप अपने भीतर आध्यात्मिकता का भी अनुभव करेंगी, इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगी, लेकिन अन दोनों में संतुलन बना पाने में कामयाब होंगी। दोनों में संतुलन बना पाने में आप सफल रहेंगी। आपको इस समय परिवार का वास्तविक महत्व पता चलेगा। घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है। यदि आपकी माता किसी प्रोफेशनल में है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना है। आज के दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज लोगों से आप ना मिले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आप घर से ही ना निकलें। भविष्य की सफलता के द्वार खुलेंगी। इन सब में अपनी जरूरतों की ओर ध्यान देना ना भूलें। आपके लिए खुद की जरूरतें भी दूसरे लोगों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। अपने मन की आवाज़ अवश्य सुनिए। यदि कोई बात आपको उचित ना लगे तो उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। सावधानियाँ, यदि आप व्यापार से संबंध रखते हैं तो ऐसी भी संभावना है कि क्लाइंट से आपके मतभेद हो सकते हैं। नए व्यापार को लेकर भी विवाद संभव है। नौकरी व्यापार में आने वाली चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसे आप परेशानी न समझकर अवसर समझें। लव लाइफ की बात करें तो आपके रिश्ते में हाल फिलहाल काफ़ी उलझने रही है, और आप अपने पार्टनर के इशारे या जो वह आपको समझा रहे हैं वह नहीं समझ पाए हैं। आज आपको अपने पार्टनर के बारे में कोई ऐसी सूचना मिलेगी जिससे आपको इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप उनके आधार पर कोई ऋणात्मक कदम भी उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए भी शांति बनाए रखें। करियर की बात करें तो यदि आपने नौकरी के लिए आवेदन किया है तो कंपनी से इसकी जांच करें। आपको व्यापार से संबंधित कोई अच्छी खबर प्राप्त हो सकती है। पदोन्नति में वृद्धि होगी। यह निवेश के लिए शुभ दिन नहीं है, इससे आप बचें। अगर आप संपत्ति खरीदने के लिए योजना बना रहे हैं तो भविष्य में इसमें सफलता मिलेगी। सेहत की बात करें तो अपने दिन की शुरुआत एवं अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें, इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी के साथ चलने को कहीं। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव ना लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ताजे जूस का सेवन करें। आज का उपाय,
आज आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।